अस्सलाम वालेकुम जी, आज इस गाड़ी के साथ हाजिर हुए हैं। ये है होंडा फिट। होंडा फिट मार्केट में बहुत शॉर्ट गाड़ी है। इस गाड़ी की दो तीन चीज़ें बहुत मज़े की हैं, वीडियो में चल के आगे आपको बताता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये होंडा फिट, होंडा फिट मार्केट में बहुत कम ये गाड़ी है। इसके सबसे पहले हेडलाइट्स की बात करें, ये तो हेडलाइट्स इसकी, ये देखें प्रोजेक्शन लैंप आता है डिम लाइट में और हाई लाइट में, जो हैलोजन बल्ब आता है। और ये देखें साइड इंडिकेटर्स इसके अंदर मौजूद हैं। ग्रिल चेक करें, सिंपल पियानो ब्लैक में ग्रिल आती है। इसके अंदर जो इंजन मौजूद है वो वीजल वाला इंजन मौजूद है, जो होंडा वीजल में आता है 1500, और ये हाइब्रिड है, इट्स नॉट सिंपल। ये आरएस नहीं है, ये सिंपल वेरिएंट है। आप इसको चेक करें साइड प्रोफाइल, अगर साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ देखें बहुत ही लाइंस बहुत ही खूबसूरत है। इसकी फीचर लाइंस जो होती हैं बहुत ही खूबसूरत जा रही हैं, यहाँ से फ्रंट डोर से स्टार्ट होती हैं और बैक डोर तक जाती हैं। साइड मिरर देखें, रिट्रैक्टेबल साइड मिरर्स हैं इसके। उसके बाद अलॉय व्हील्स ही हैं, सिंपल व्हील्स हैं, मेरा से बेस वेरिएंट है इस वजह से। और टायर आप देखें, टायर भी जैपनीज ही अभी तक इसको लगे हुए हैं। ट्रंक मैंने इसका ओपन कर लिया है, वीजल की तरह इसके इसमें भी स्टेपनी नहीं आती, उसके अंदर भी पंचर किट होती है, इसके अंदर भी वही आती है। तो ये बाद में इस पर टायर के इन्होंने रखा हुआ है। सीट्स फोल्ड हो जाती हैं, सामान आप जितना चाहे इजीली रख सकते हैं। बैग देखें तो बैग इसकी कुछ इस तरह नज़र आती है। 2015 मॉडल है, 2017 में इसकी फेस लिफ्ट आई है। तो ये थर्ड जनरेशन है। गाड़ी की साइड प्रोफाइल भी बहुत ही खूबसूरत है। इंटीरियर आपको गाड़ी का चेक कराते हैं। अंदर से बिल्कुल वीजल की कॉपी लगती है। कीज के साथ कीलेस एंट्री है, 2015 मॉडल है ये। तो उसके बाद ये देखें यहाँ पे ये इसकी स्क्रीन है, ये जैपनीज है। इसका गियर भी सेम वही वीजल वाला गियर है। यहाँ देखें स्पोर्ट्स मोड भी दिया गया, हैंड ब्रेक। और जो सीट्स हैं इसकी लेदर नहीं है, ये लेदर है, यानी एक किस्म का सेमी लेदर इसको बोल सकते हैं, और ये फैब्रिक है। बाकी जो बैक सीट है वो काफ़ी कंफर्टेबल है, मतलब लेग रूम भी उसका अच्छा है। एसी देखें, क्लाइमेट कंट्रोल आता है। गाड़ी में स्टार्ट कर लूँ, गाड़ी स्टार्ट करने के लिए यहाँ पावर का बटन दिया गया है, पुश स्टार्ट है ये। इसमें जो आरएस वेरिएंट आता है उसमें पैडल शिफ्टर आते हैं, इसमें पैडल शिफ्टर नहीं मौजूद। ये देखें यहाँ पर आपको क्रूज़ की सेटिंग दी गई है। लेफ्ट साइड पर आपके मल्टीमीडिया कंट्रोल्स हैं। मीटर इसका देखें बिल्कुल विजल की कॉपी है। रिवर्स कैमरा चेक करें। अभी गाड़ी की ड्राइव लेते हैं, गाड़ी को चला के चेक करते हैं। तो हम ऑन रोड आ चुके हैं, गाड़ी को अभी चला के देख रहे हैं। गाड़ी चलाने में बहुत ही कंफर्टेबल है, विजल की तरह ही अंदर से पूरी विजल की तरह लगती है, लेकिन इट्स नॉट विजल। अंदर बैठे हुए ऐसे फील हो रहा है कि विजल में है। इसके अंदर रिडार भी मौजूद है, मतलब विजल वाली आपको तकरीबन सारी ऑप्शंस मिल जाती हैं। अडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल भी है इसके अंदर। उसके बाद ये जो है ये बाद में जैपनीज है, ये आफ्टर मार्केट नहीं लगा हुआ, ये आप आफ्टर मार्केट भी लेके लगवा सकते हैं। जो एसी है वो क्लाइमेट कंट्रोल है, लेकिन सिंगल जोन है, ड्यूल जोन नहीं है, एक ही बंदा सेट कर सकता है। विजल में जो आता है वो आता है ड्यूल कंट्रोल आता है, मतलब पैसेंजर साइड अपनी मर्जी का सेट कर सकता है और ड्राइवर अपनी मर्जी का सेट कर सकता है। लेकिन एसी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। ब्रेकिंग इस गाड़ी की बहुत ही अलग किस्म की ब्रेकिंग है, मतलब आपको पता लगता है। और एवरेज की बात करें तो जिस वजह से ये गाड़ी बहुत मशहूर है वो एवरेज है। तो एवरेज गाड़ी इस टाइम 21 से 22 एवरेज दे रही है गाड़ी, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छी एवरेज है। आजकल जो पेट्रोल प्राइसेस आपकी बहुत ऊपर चली गई हैं, तो उस लिहाज से ये गाड़ी बहुत अच्छी है। इस प्राइस रेंज में बहुत सी गाड़ियाँ आती हैं, लेकिन जो हाइब्रिड गाड़ी आती है प्रियस को इसके मुकाबले में कर लेते हैं, और दूसरा एक्वा। इसका जो हाइब्रिड है ये कंपनी ने इंट्रोड्यूस करवाया था, तो ये हाइब्रिड ज़रा डिफरेंट हाइब्रिड है, इट्स नॉट लाइक वीजल या आम जो हाइब्रिड होते हैं। तो अगर उससे कंपेयर करें तो मेरे ख्याल से उससे बहुत बेहतर है गाड़ी आपकी एक्वा से, क्योंकि एवरेज के लिहाज से भी गाड़ी अच्छी एवरेज दे रही है। अच्छा, प्रियस की तरफ आ जाएं तो मेरे ख्याल से प्रियस से भी ये गाड़ी बेहतर है। अगर लुक वाइज एक्सटीरियर की लुक वाइज की बात करें तो कई लोगों को ज़्यादा प्रियस पसंद आएगी, लेकिन मेरे ख्याल से ये गाड़ी ज़्यादा अच्छी है।
दो चीजें इसकी मुझे बुरी लगी है, एक तो ये रिस्पांस लेट करती है, जैसे कि मैं अभी एक्सीलेटर देता हूँ, ये देखें लेट रिस्पांस एक चीज। और दूसरा जो फ्लॉ मुझे नजर आता है, अगर आप इसको कंपेयर करें टोयोटा की गाड़ियों से, तो मेरे ख्याल से ये होंडा फिट थोड़ा मुश्किल से बिकेगी, वो इजी बिक जाएंगी। लेकिन ग्राउंड क्लियरेंस गाड़ी की एक्वा से बहुत अच्छी है। प्राइस की, मार्केट प्राइस की बात करें तो आजकल जो मार्केट प्राइस है इस गाड़ी की, वो तकरीबन आपको 35 से 40 के अराउंड गाड़ी मिल जाती है। 2015 मॉडल, 15 से लेके 17 तक, 17 थोड़ी सी महंगी हो जाती है, 40 से ऊपर चली जाती है। तो ये गाड़ी मेरे ख्याल से आपको एक्वा से थोड़ी सी सस्ती भी मिल सकती है। अगर आपको इस गाड़ी के बारे में और कुछ जानना है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको इस गाड़ी की और भी डिटेल बता सकता हूँ। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाजमी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।